नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं पांच बड़ी खबरों पर। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 28 केस सामने आए हैं। इनमें से 12 भारतीय और 16 विदेशी शामिल हैं। 12 भारतीयों में से 3 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। इन 9 लोगों में दिल्ली, तेलंगाना और जयपुर में एक एक मरीज है। वहीं आगरा में एक ही परिवार के 6 मरीज मिले। इटली से आए 21 पर्यटकों के समूह में 17 लोग कोरोना वायरस से प्रभावित पाए गए। एक भारतीय भी शामिल है। सभी को ITBP के छावला कैंप में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग की इजाजत दे दी। अदालत ने बुधवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 2 साल पुराना सर्कुलेशन खारिज कर दिया। RBI ने 6 अप्रैल 2018 को क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन देन पर रोक लगाई थी। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी होती है। ऑनलाइन माध्यम से दुनिया भर में इसका लेन देन किया जा सकता है। भाजपा नेताओं को भारी पड़ा CAA का विरोध करना पर भनी स्थित सेलू नगर परिषद के चेयरपर्सन विनोद बरोड़े और पालम नगर परिषद के उप प्रमुख बाला साहेब रोकड़े को पार्टी ने निलंबित कर दिया। दोनों पार्टी नेताओं ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ मतदान करके अनुशासनहीनता दिखाई, इसलिए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा पर लगाए हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर मध्य प्रदेश में करीब 17 घंटे से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। मंगलवार सुबह दिग्विजय ने ट्वीट कर कांग्रेस विधायकों को दिल्ली लाने की बात कही थी। इसके बाद जब शाम को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दिल्ली के लिए निकले तो सियासी पारा और चढ़ गया। कांग्रेस ने देर रात दावा किया कि भाजपा ने कांग्रेस के 6, बसपा के 2 और एक निर्दलीय विधायक को गुड़गावा के ITC मराठा होटल में बंधक बनाया। भाजपा ने आरोपों से किया इनकार। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार किया गया। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि आपका आशय नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मारा गया वो ब्रूटल था, आपको दोषी करार दिया जाता है। इस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत कुल 11 आरोपी थे। इनमें से 4 बरी किए गए, बाकी 7 को कोर्ट ने पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत का दोषी माना है। सजा का ऐलान 12 मार्च को किया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी खास खबरें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए HM News।